हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। यहाँ पर जो आज मेरा टॉपिक है, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज का टॉपिक हमारा है, कल हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी पर किए थे क्वेश्चन, आज हम करेंगे यहाँ पर चैप्टर कौन सा हमारा है आज। यस, आज हमारा चैप्टर है सर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू पर बेस्ड हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का वेटेज कितना है हमारा नीट एग्जाम में, एनिमल टिश्यू से भाई कितने क्वेश्चन आते हैं सर नीट एग्जाम में हमारे। यस, एनिमल टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर पुराने साल के पेपर्स की बात करें तो नीट 21 में भाई यहाँ पर तुम्हारे दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से। ठीक है, दो क्वेश्चन भाई आते आते हैं इस चैप्टर से, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और मैक्सिमम चीज तुम्हें यहाँ पर याद करने वाली होती है। तो जल्दी से बताओ मुझे वॉइस और वीडियो के बारे में। सबसे पहले वॉइस और वीडियो के बारे में बता दिया जाएगा, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है भाई? यस और नो, यस और नो में इस बात का जवाब दिया जाए। हेलो डॉक्टर होप, हेलो सचिन, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या, जल्दी से बताया जाए ये बात भाई। वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस सर, वॉइस और वीडियो क्लियर है। तो यहाँ पर रैपिड फायर राउंड रखेंगे हम, ठीक है ना? जल्दी से सब ज्वाइन करेंगे, फटाफट से सब ज्वाइन करो, तब तक मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं यहाँ पर। क्या बातें सर, देखो जरूरी बातें देख लेते हैं, क्या बातें हमारे पास। तुम्हारा समर्पण बैच, समर्पण बैच नीट 22 एस्पिरेंट के लिए ये स्टार्ट होने जा रहा है। कब से ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है भाई? 28 अप्रैल से, मतलब की आज से। डॉक्टर एस के सिंह सर, आशीष दीवान सर, निशांत सर, कौशल नामा सर पढ़ाएंगे। और बम्पर ऑफर क्या है भाई 2022 स्टूडेंट के लिए, तुम्हें यहाँ पर 12 मंथ का लेना है सब्सक्रिप्शन, और तुम्हें यहाँ पर एक्सेस मिलेगा जब तक कि आपका 2022 तक का, 2022 का एग्जाम नहीं हो जाएगा, नीट 2022 का, तब तक आपको एक्सेस मिलेगा। और ऑफर तुम्हारा वैलिड है आज के लिए, वैलिड ऑफर भी। इसके बाद नर्चर बेस तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से, ये भी आज से ही। प्रतीक जैन सर, डॉक्टर अमित गुप्ता सर, रमेश सारदा सर, अजय मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर और संदीप नोडिया सर पढ़ाएंगे आपको। ये 2023 स्टूडेंट के लिए है भाई, ज्वाइन कर सकते हो। यस, 1, 3, 6, 12, 18, 24 मंथ का तुम्हारा प्लान है, प्लस और आइकोनिक। अगर तुम्हें पर्सनल कोच चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर आइकोनिक लेना चाहिए, नहीं तो प्लस। और भाई 22 वालों को मैं बोलूंगा कि 12 मंथ का लीजिए सब्सक्रिप्शन। कोड क्या यूज करोगे, कोड यूज करोगे भाई विकास जहांगीर, ये कोड यूज करने से आपको यहाँ पर मिलेगा 10% का ऑफ। ओके, ये कोड यूज करने से आपको यहाँ पर 10% का ऑफ मिलने वाला है। फटाफट से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, वापस हम क्विज की तरफ लौट आते हैं। दो क्वेश्चन का वेटेज हमारे है नीट 21 में। हेलो वर्षिता, डॉक्टर होप, कोमल, सब क्लियर है? हेलो ऋतिक, सब क्लियर है सर? सब क्लियर है, वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, काफी ज्यादा अच्छी बात है ये। कर सकते हैं हम स्टार्ट के यहाँ पर। तुम क्या करो, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि हम जल्दी से इसे स्टार्ट करें भाई। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे क्लास। यस यस यस, अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं यहाँ पर। माय सेल्फ इज विकास एंगल, करेंटली आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट मंत्रा, काफी सारे स्टूडेंट की मैंने वहां पर हेल्प की है। बायो में मेरे भाई 316 मार्क्स थे बायोलॉजी में 2017 में, और ये मैं एनसीईआरटी पढ़ के लाया था, तो मैं भी मैं वही तरीके बताता हूँ यहाँ पर। यस ना, और यस, रेफरल कोड तुम्हारा है विकास एंगल से, तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा, और साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस। यहाँ पर देखो, मैं पहले तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें एग्जाम्पल याद करने होते हैं, तो कुछ ट्रिक्स देख लो क्या क्या ट्रिक्स हमारी हैं, ठीक है ना? चाहो तुम साथ में यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई। ट्रिक्स बता देता हूँ मैं तुम्हें, क्या ट्रिक्स है हमारी ये। देखो, तुम्हें सिंपल स्क्वायमस को याद करने की मेनली तुम्हें दो एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। एक तुम्हारा क्या है, एक एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, एक एग्जाम्पल तुम्हारा है एल्वियोलाई, और दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल भाई तुम्हारा वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल और एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए भाई। उसके अलावा ट्रिक देखो तुम्हारी क्या है, एमबीएस सेल्स, मेसोथेलियम, बोमन कैप्सूल, एल्वेलाई, कोरोनियल एपिथेलियम, कोरोनियल एपिथेलियम, एंडोथेलियम, लूप ऑफ हेनले, लिम्फेटिक्स और सीरोसा, यहाँ पर तुम्हारा मिलेगा क्या, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ये ट्रिक्स तुम्हें रखनी है याद। ओके सर, ये ट्रिक्स हमें रखनी है याद काफी ज्यादा अच्छे से। और दो एग्जाम्पल तो हमें काफी अच्छे से एमटीआर होने चाहिए, कौन कौन से, एल्वियोलाई और वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये तो हमें एमटीआर होने होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं सिंपल स्क्वायमस के बाद भाई हमारा आएगा सिंपल क्यूबोइडल। क्यूबोइडल में, क्यूबोइडल की ट्रिक तुम्हारी क्या है, क्यूबोइडल की ट्रिक है लेफ्ट टॉर्स, लेफ्ट टॉर्स में एल फॉर लेंस, टी फॉर थायरॉइड फॉलिकल, ओ फॉर ओवरी, आर फॉर रेटिना, सी फॉर तुम्हारा कोरोइड प्लेक्सिस। ओके, ये तुम्हें याद रखना है यहाँ पर सिंपल क्यूबोइडल का ट्रिक हमारे पास क्या है, लेफ्ट टॉर्च। इसके बाद आते हैं हम सर किस पर आएंगे, सिंपल कोल्यूनर का। कोल्यूनर का तुम्हारा है सर ऑफ यूएई इज बिजी, मतलब कि दुबई के जो सर है वो बिजी हैं। एस से स्टमक, आई से इंटेस्टाइन, आर से रेस्पिरेटरी ट्रैक, यू से यूट्राइन ट्यूब, ए से ऑडिटरी ट्यूब,
इसे फ्रेंड ऑफ टेस्टिस, बी से ब्रेन वेंट्रिकल, जी से गोल ब्लैडर, सर ऑफ यूएई बीजी। ओके ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी है किसके लिए, ये ट्रिक हमें याद रखनी है कंपाउंड एपिथीलियम के लिए। ओके 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 सर, ओके 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 सर, आया समझ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ओके सर, इसके बाद ये वाला का स्क्रीनशॉट ले चुके हो, इसके बाद देखते हैं हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का वैट इज बैंड। वैट इज बैंड भाई, कोविड आया है तो वैट को तो बैन कर देना चाहिए, ठीक है। वैट इज बैंड सर, वी फॉर वास्ट डिफरेंस, ए फॉर तुम्हारा ऑडिटरी ट्यूब, टी फॉर ट्रेकिया, बी फॉर ब्रोंकाई, एन फॉर तुम्हारा क्या जाएगा यहाँ पर नेजल कैविटी। ये वाले ट्रिक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ट्रांजिशनल एपिथीलियम, यहाँ पर तुम्हारा भाई ब्लैडर वाला, और तुम्हारा दूसरा क्या, दूसरा तुम्हारा क्या है यहाँ पर ब्लैडर और यूरेटर, ये तुम्हें काफी अच्छे से याद रखना है। और यू कैन ब्रेक पी यू, ये ट्रिक है तुम्हारे, यू से यूरेटर, बी से ब्लैडर, आर से रिनल पेल्विस, बी से प्रोस्टेट, यू से यूट्रस। और स्क्वाइमस नॉन क्रिएटिनाइज का तुम्हारा पी एम सी ए एंड ली आर वॉचिंग एम टी वी, पी एम सी ए एंड ली आर वॉचिंग एम टी वी, पी से तुम्हारा फिनाइल यूरेथ्रा, एम से माउथ, सी से कैनाल्स, ए से तुम्हारा एनल कैनाल, एल से तुम्हारा लैरिंग्स, ई से इसोफेगस, एम से मेम्ब्रेन, टी से टंग, वी से वजाइना, ये तुम्हारा आएगा नॉन क्रिएटिनाइज एपिथीलियम का एग्जांपल सारे ही। कुछ ट्रिक्स है भैया, इनसे तुम्हें शायद याद रह जाए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, स्टार्ट करें क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को क्या? क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को सर? यस यस यस, क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को। ओके ओके ओके, एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारा काफी आसान, करो भाई इसका आंसर आसान, कैसे आंसर कैसे करना होता है तुम्हें, पहले क्या लिखोगे भाई, पहले लिखो क्वेश्चन का नंबर, उसके बाद ए बी सी डी जो भी आंसर इसका वो करोगे, ए बी सी डी में से जो भी तुम्हें लग रहा है आंसर वो करोगे इसका। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं इसका आंसर। डॉक्टर होप, कोमल, वेरी गुड, सचिन, वर्षिता, एक स्टूडेंट एक बार ही कमेंट करेगा तो सही रहेगा भाई, एक स्टूडेंट एक बार ही कमेंट करेगा तो सही रहेगा। करो जल्दी से आंसर। दिनेश, एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरी गुड ज्योति, कहाँ कहाँ से होता है ओरिजिनेट हमारा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। स्टीरियोसीलिया तुम्हारी कहाँ प्रेजेंट होगी भाई? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया सर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है इसके बारे में बताओ जल्दी से आंसर इसका भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, स्टीरियोसीलिया तुम्हारी कहाँ प्रेजेंट होती है बताया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताया जाए भाई इसका फटाफट से, क्या करना पसंद करोगे इसका आंसर स्टीरियोसीलिया के बारे में? अभिषेक वेरी गुड, फर्स्ट का बता चुके हो, सेकंड का बताओ, सेकंड का बताया जाए भाई आंसर फटाफट से, फर्स्ट का तो बता चुके हैं आप, सेकेंड का बताओ क्या लग रहा है कहाँ मिलेगी तुम्हारा? समन्वय साइकिल, यूरेटर, किडनी या फिर एपिडाइमिस, कहां पर तुम्हारी स्टीरियोसीलिया मिलती है, कहां पर मिलनी है तुम्हारी स्टीरियोसीलिया यहां पर, क्या लग रहा है तुम्हें आंसर इसका, क्या लग रहा है तुम्हें आंसर इसका भाई? ओके सर, क्या लगा इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए कर रहे हो, सी कर रहे हो, क्या करोगे आंसर? डॉक्टर होप, सचिन, संकेत, कोमल, अलग अलग कर रहे हैं आंसर, अलग अलग क्यों कर रहे हो भाई, एक आंसर करो, क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक आना चाहिए, क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक आना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ओके ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज लाइन बाय, ब्रेन वेंट्रिकल की लाइनिंग और सर हमारी सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड किससे लाइन होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए आंसर ठीक था उसका, अब करो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर फटाफट से, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या जाना चाहिए आंसर हमारा बता दो जल्दी से मुझे भाई, जल्दी से बता दो फटाफट से,
क्या जाना चाहिए सर इसका आंसर थर्ड का, ब्रेन वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कौन तुम्हारा सीएसएफ, हेलो शिवानी कौन तुम्हारा सीएसएफ कर रहा है सीक्रेट, कौन करता है हमारा सीएसएफ सीक्रेट, यस सर इपेंडाइम एपिथीलियम ना, ओके थर्ड का आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर तुम्हें हल्की सी परेशानी हो सकती थी आंसर करने में, इस पर स्टार लगा कर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। हेलो हर्षा वेरी गुड, हर्ष ज्योति डॉक्टर होप सही करो आंसर भाई, हर्षलता ने सही आंसर दिया, सलोनी सचिन नमस्ते शिवानी ग्रेट 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 ग्रेट। अगला सवाल सीलिएटेड एपिथीलियम तुम्हारा कहाँ देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर सीलिएटेड एपिथीलियम तुम्हें कहाँ देखने को मिल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर फोर का करो आंसर जल्दी से, क्या करोगे आंसर इसका क्वेश्चन नंबर फोर का, सीलिएटेड एपिथीलियम तुम्हें कहाँ देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर चार फटाफट से कर देंगे सही आंसर जल्दी से। ओके सर क्या इसका आंसर ओविडक्ट ट्रेकिया ब्रेन वेंट्रिकल, क्या लग रहा है क्या लग रहा है इसका आंसर देखते हैं डॉक्टर हो वेरी गुड। क्वेश्चन का नंबर लिखो भाई, पहले आंसर करने से पहले एक बार क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है, क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है सर आंसर करने से पहले एक बार। मैं बढ़िया हूँ भाई शाहरुख शक्ति कुमार मैं बढ़िया, करो आंसर इसका हर्ष लता वेरी गुड, क्या जाना चाहिए इसका आंसर हमारा, क्या जाना चाहिए सर इसका आंसर हमारा क्या है इसका आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ दी अबो सीलिएटेड तुम्हारा मिलेगा सभी जगह, यहाँ पर सभी जगह मिल रहा है भाई सीलिएटेड। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या करते हैं तुम्हारे, गैप है तो ये वाला जंक्शन क्या करने वाला है, गैप जंक्शन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर भाई बताओ जल्दी से क्या करते हैं गैप जंक्शन हमारा, करो कमेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का। हेलो सुबी कोमल किया सही आंसर वेरी गुड वेरी 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 गुड भाई, गैप है गैप करेंगे क्या, बिंदु कौन कौन कर रहा है सही इसका कौन कौन कर रहा है गलत, यही तो बात है। फाइव का करो पहले सभी आंसर करो, इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या जाने वाला है हमारा। गैप जंक्शन के बारे में क्या जाने वाला है आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर भाई। ओके भाई गैप है तो ये क्या करेंगे, वेरी गुड सुभी ज्योति आंसर तो करो भाई पहले, सुभी आंसर तो करो वेरी गुड अंकित, क्या गया सर इसका आंसर हमारा, ये क्या करेंगे कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, लीकिंग को कौन प्रिवेंट करता है भाई, लीकिंग को तुम्हारे कौन से जंक्शन होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, वेरी गुड प्रीति, लीकिंग को कौन प्रिवेंट कर रहा है भाई, कौन से जंक्शन तुम्हारे हैं जो यहाँ पर लीकिंग को कर रहे हैं प्रिवेंट, लीकिंग के लिए कौन सा होता है हमारा टाइट, क्या यस सर टाइट जंक्शन, लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए टाइट जंक्शन होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स, टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, जो टिश्यू सर हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कैसे टिश्यू है, सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोन किससे मिलकर बनी है हमारी, वेरी गुड हर्षलता वेरी गुड सुबी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, करते रहिए सही सही आंसर जल्दी से, सबको यहाँ पर सही सही आंसर ही करना है, गलत किसी को नहीं करना है भाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का पहले लिखो क्वेश्चन का नंबर उसके बाद करोगे आंसर, पहले लिखो क्वेश्चन का नंबर उसके बाद करोगे आंसर जैसे कि मैंने लिखा है, यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। मुझे नहीं पता कि तुम किस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हो तो मुझे ऐसे पता चल सकता है। सिक्स का वेरी गुड अंकित सुबी कोमल प्रीति दिग्विजय ज्योति यस सर, आंसर इसका है कनेक्टिव तुम्हारा, क्योंकि बोन बोन सर हमारी बोन और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज में तुम्हारे कौन से जंक्शन हेल्प करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन भाई क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटरसेलुलर जंक्शन विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, टाइट गैप इंटरडिजिटेशन डेस्मोजोम्स। ओके शिवांश ओके शिवांश करो इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर सेवन का जवाब जल्दी से,
अभी अभी बात की है तो अब तो गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। क्यों ही करोगे अब गलत, क्यों ही करोगे गलत सर, गैप जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम प्रेजेंट इन ट्रिक बताई गई थी तुम्हें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की ट्रिक बताई गई थी भाई। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड तुम्हारे कहां पर होते हैं प्रेजेंट सर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेफ्रॉन न्यूरॉन लैरिंक्स फैरिंक्स, नेफ्रॉन न्यूरॉन लैरिंक्स फैरिंक्स ट्रेकिया ब्रोंकाई कहां पर तुम्हारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। वेरी गुड हर्षलता संकेत प्रीति, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अब 7 हो गया है। वेरी गुड गोल्डी अमल देन शिवांश ओके बिंदु सही करो आंसर भाई, 8 का डी नहीं जाएगा। कोमल सुभी ग्रेट प्रीति यस सर ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रांजिशनल एपिथीलियम तुम्हारा कहां पर प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से। ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहां पर होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी शानदार सा सवाल, बहुत शानदार सवाल सर। ट्रांजिशनल एपिथीलियम रीनल पेल्विस यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर अपर पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा या फिर मेरा फेवरेट, वेरी गुड शिवांश, या फिर मेरा फेवरेट ऑप्शन डी, क्या जाना चाहिए इसका जवाब। रीनल पेल्विस यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर अपर पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा ऑल ऑफ द अबोव, सारे ही सर हमारे सारे ही डी करेक्ट इसका। कोमल हर्षलता बिंदु प्रीति मुस्कान सही करो आंसर, डी एस का आंसर भाई। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल किससे मिलकर बनी होगी तुम्हारी, उसे बोलते क्या है, बोलते क्या है, बनता तुम्हारे स्क्वाइमस से भाई, सिंपल स्क्वाइमस से, ताकि डिफ्यूजन काफी अच्छे से हो जाए। सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम से बना होगा तुम्हारा, इसे बोलते क्या है वो तुम्हें बताना है, वो तुम्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का सी नहीं भाई, गलत करो तो इतनी बार मत लिखो, एक बार ही लिखो भाई आंसर। वेरी गुड श्रेया हर्षलता कोमल बिंदु गोल्डी यस सर, क्या करेक्ट आंसर इसका हमारा, यस सर ये हमारा क्या होता है, एंडोथीलियम नहीं बोलते हम, कैपेलरी एंडोथीलियम, कैपेलरी एंडोथीलियम बोलते हैं ना, तो वो भी तुम्हारी ब्लड वेसल ही है, कैपेलरी एंडोथीलियम। तो ये भी तो हमारी ब्लड वेसल ही है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स करो इसका आंसर 11 का। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स कीजिए इसका आंसर जल्दी से। क्यूबॉइडल कॉलमनर ट्रांजिशनल या फिर तुम्हारा कंपाउंड, 11 में क्या जाना चाहिए आंसर, बक्कल कैविटी फेरिंग्स 11 का। वेरी गुड, वेरी गुड शिवांश सुबी यस 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 हर्षलता कोमल दिग्विजय सचिन ज्योति श्रिया करेक्ट आंसर भाई, करेक्ट आंसर, वेरी 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 गुड। कंपाउंड एपिथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ गट स्टमक एंड लीवर इज मेडअप ऑफ, देखो ये तुम्हारा थोड़ा याद करने वाला ही चैप्टर है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल काफी ज्यादा आने वाले हैं। यस प्रीति काफी ज्यादा एग्जाम्पल आने वाले हैं यहाँ पर भाई, सारा चैप्टर हमारा क्या है ये याद करने वाला, ये सारा चैप्टर सिंपल स्क्वायमा सिंपल क्यूबॉइड सिंपल कोल्यूमनर या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या जाना है आंसर, स्क्वायमस क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। डीसी डीसी क्या, वेरी गुड दिग्विजय श्रिया भाई क्वेश्चन का नंबर लिख दो आगे पहले, यस ना यस टीजे आगे भाई तुम, ज्योति यादव वेरी गुड प्रीति सवास सिंपल कॉल्यूमनर। अगला सवाल, नॉन क्रिएटिनाइज, नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम कहां मिलेगा तुम्हारा, नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम कहां मिलेगा भाई। सर्वशक्ति ओके स्किन स्टमक इसोफेगस इंटेस्टाइन 13 का आंसर, स्किन स्टमक इसोफेगस इंटेस्टाइन।
ओके अरविंद कुमार, क्या करेक्ट आंसर सर? नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड 13, ये तुम्हारा होगा ईसोफेगस। अगला सवाल, मसल आर कनेक्टेड टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? इसके ट्रिक थी हमारे पास बबली, तो भाई मसल को फिर बोन से कौन कनेक्ट करेगा? आसान तो सवाल, ट्रिक भी बता दी गई है गेमिंग मास्टर, ट्रिक भी बता दी गई है भाई, ट्रिक बता दी है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए बिल्कुल। करो करो करो, बनाओ बनाओ बनाओ, सही आंसर बनाओ इसका, और जो लाइव है वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, 50 प्लस लाइक का टारगेट हमारा, 50 प्लस लाइक्स का टारगेट सर इसका। कीजिए आंसर, बोन को बोन से कनेक्ट करता है तुम्हारा लिगामेंट, तो बोन को मसल से कौन कनेक्ट करने वाला है? बोन को मसल से 14 का, वेरी गुड सुबी, प्रीति सोचो भाई, बोन को मसल से तुम्हारा टेंडन कनेक्ट करेगा, फिर प्लाज्मा सेल क्या करती है तुम्हारी प्लाज्मा सेल? क्वेश्चन नंबर 15, हर बार फेवरेट नहीं जाता है आंसर, हर बार फेवरेट नहीं जाता है, सितारे तो लगा दी जाए यहाँ पर, चलो थोड़े से अच्छा क्वेश्चन है, प्लाज्मा सेल होती क्या है हमारी, आखिर ये होती क्या है, किस बला का नाम है प्लाज्मा सेल? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब, सही जवाब चाहिए। गलत गलत गलत, सही कर रहे भाई, 15 का गलत कर रहे हो, काफी स्टूडेंट गलत कर रहे हैं भाई, देखते हैं कौन कौन सही करता है इसका। हेलो अनु, यस ज्योति, ग्रेट, श्रिया, हेलो कोमल, ग्रेट, क्या जवाब इसका? देखो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट जो होती है वो मॉडिफाई होकर तुम्हारी प्लाज्मा सेल बनाती है, जो क्या सीक्रेट करती है, तुम्हारी एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, नॉट एंटीजन, नॉट मैट्रिक्स एंड फाइबर, ऑप्शन ए जाएगा इसका करेक्ट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके शिवांश, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, स्पैम मत करो, आंसर करने पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लास लाइक कार्टिलेज, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भाई ग्लास लाइक कार्टिलेज कौन सी है तुम्हारी? ग्लास लाइक कार्टिलेज कौन सी है बताओ इसका जवाब, हाइलिन, फाइब्रो, कैल्सिफाइड या फिर इलास्टिक? हाइलिन, फाइब्रो, कैल्सिफाइड या फिर इलास्टिक? कर दीजिए इसका जवाब भाई जल्दी से, हाइलिन, फाइब्रो, क्या करेक्ट करोगे और मिलती कहाँ है तुम्हारी? ये देखो आंसर इसका क्या जाएगा, हाइलिन ना, यस सर हाइलिन इसका आंसर जाएगा, मिलती कहाँ का तुम्हारी ये है, नेजल सेप्टम में मिलेगी। मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन, बोन का मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है? यस श्रियांश, अनु, श्रिया, वेरी गुड, टीजे, दिग्विजय, ज्योति, गोल्डी, प्रीति, धूप, धूप आ गए हो तुम भी, धूप आ गए हो, अरविंद कुमार, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, हवेरशियन सिस्टम इज फीचर ऑफ, हवेरशियन सिस्टम जो तुम्हारा होता है बोन में मिलता है, किसकी बोन में मिलता है ये, किसकी बोन में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 18 भाई, हवेरशियन सिस्टम तुम्हारा किसकी बोन में मिलता है? मैमल्स की बोन में मिलेगा, न्यूमेटिक बोन में मिलेगा? 18 का जवाब, वेरी गुड अन्वेषा, क्वेश्चन का नंबर लिख दोगे ऐसे, क्वेश्चन का नंबर लिख दोगे भाई, क्या करोगे? वेरी गुड गोल्डी, कोमल, देन दिग्विजय, टीजे, शिवांश, अनु, सचिन, सचिन किसका आंसर कर रहे हो तुम? बी किसका आंसर कर रहे हो यार? श्रिया, गेमिंग, गेमिंग तुम किसका आंसर कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन का नंबर लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, मुझे पता लगता रहता है कि तुम आंसर किसका कर रहे हो आखिर। बोन डिजोल्विंग सेल, बोन को डिजोल्व कौन कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट, कौन डिजोल्व कर रहा है बोन को? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बोन डिजोल्विंग सेल, 18 का डी, वेरी गुड, हेलो खुशबू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई,
वेरी वेरी गुड इवनिंग. कीजिए आंसर. 19 का भाई जल्दी से. ऑस्टियोब्लास्ट. नहीं 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 ऑस्टियोब्लास्ट नहीं. क्या ये स्पैम कौन कर रहा है भाई? जो स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए उनको तो करने दो. श्रिया, अन्वेषा, अनु, माहेश्वरी, गुड भाई. ऑस्टियोक्लास्ट इज द करेक्ट आंसर. बोन फॉर्मिंग सेल कौन सी होती है? बोन फॉर्मिंग सेल तुम्हारी होती है ऑस्टियोब्लास्ट. ईस्टेचियन ट्यूब इज सपोर्टेड बाय. ईस्टेचियन ट्यूब को कौन सपोर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भाई. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर. हेलो अनु, तुम आंसर दे रही हो? बोल तो रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भाई, इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज या फिर हमारा हाइलिन कार्टिलेज. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसका जवाब? 20 का डी. अरे नहीं भाई श्रिया, इसको सब गलत करेंगे क्या? कोई इसको सही नहीं करेगा क्या? अन्वेषा ने भी गलत. कोमल सही. वेरी गुड कोमल. देन गोल्डी. श्रिया सही करो आंसर. ये तुम्हारी स्टेशन ट्यूब भाई, तुम्हारी इलास्टिक कार्टिलेज से होती है सपोर्ट, नॉट हाइलिन. ताकि इलास्टिक हो सके. ओके ज्योति, दिग्विजय. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यू? चार दे रखे तुम्हें ये. एक टाइट, गैप, अडेरिंग और इंटरडिजेशन. तो यहाँ पर तुम्हारे भाई एपिथेलियम टिश्यू में कितने जंक्शन मिलेंगे? कितने मिलेंगे भाई, कितने मिलेंगे? ओके 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 सर, कर दिया आंसर. इस काम ने कर दिया है भाई. क्या करेंगे इसका आंसर? मुझे लगता है भाई पिथीलिया में सारे मिलते हैं ना. 21 का बी. यस. नहीं नहीं ए आएगा आंसर इसका. एपिथीलियल टिश्यू हमारा ऐसा टिश्यू है जहां पर सारे ही मिलते हैं. ओके सारे जंक्शन मिलते हैं तुम्हारे एपिथीलियल टिश्यू में, याद रखोगे बात. संकेत क्वेश्चन नंबर 20 में क्या समझना है तुम्हें? देखो स्टेशन ट्यूब तुम्हारी होती कहाँ कहाँ है बताओ मुझे पहले. स्टेशन ट्यूब तुम्हारी होती किस किसके बीच में है ये बताओ पहले. मिडिल ईयर, मिडिल ईयर और एक और क्या सर हमारा? फेरिंग्स ना, कोलेप्स ना हो जाए इसलिए यहां पर तुम्हारी इलास्टिक कार्टिलेज होती है. ओके लाइक जैसे कि हमारी कहां होती है? ट्रेकिया में जैसे होती है क्या? कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 एपिथेलियम के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. इंटरडिजिटेशन ये वाले जंक्शन होते हैं आपस में चिपकाए रखने वाले भाई. ये तुम्हारे इंटरडिजिटेशन है. ओके ओके गोल्डी, अडेरिंग का काम करेंगे ये. अगला सवाल. यस इनर ईयर नहीं, मिडिल ईयर. मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है तुम्हारी स्टेशन ट्यूब. कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएंगे? 22 का आंसर. वेरी गुड कोमल, गोल्डी, श्रिया, सचिन, दिग्विजय. सही आंसर भाई. ओके कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये तीनों तुम्हारे स्पेशल हैं क्या? ये तीनों तुम्हारे स्पेशल हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या तीनों तुम्हारे ये? यस सर, तीनों ही स्पेशल होते हैं. धूप, प्रीति, अन्वेषा. वेरी गुड भाई. अगला सवाल. इन मल्टी सेलुलर एनिमल ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटर सेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन. अरे चैप्टर का नाम यही है, इसे गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है. ये तो सर चैप्टर का नाम ही यही है हमारा 23. संकेत गुड गुड गुड. ज्योति, अन्वेषा, वेरी गुड. बिंदु, अधिगा, जो लाइव है भाई, जो लाइव है अभी वो लाइक करें क्लास को. 50 प्लस का टारगेट है. फिर कल हम एक फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे प्रैक्टिस. कर दीजिए भाई लाइक, 50 प्लस का टारगेट है. चैप्टर वाइज रोज पूरी तुम्हारी क्लास 11 12 दोनों को मिलाकर 23 का. कोमल, श्रिया, संकेत, यस सर, धूप, सचिन, दिग्विजय, टीजे, अन्वीसा, प्रीति, अधिगा. ओके सर. टिश्यू टिश्यू टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर तुम्हारे क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे.
और ऑर्गन मिलकर तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, तुम्हारा बॉडी बनाते हैं। 23 का ए, लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करते हैं, आज ही हमने ये बात डिस्कस की है, आज ही हमने ये बात डिस्कस की है भाई, तुम्हारी लिगामेंट तुम्हारे किसको किससे कनेक्ट करते हैं सर। 24, ओके ओके ओके, 24 का जवाब, 24 का जवाब जानना है मुझे, लिगामेंट तुम्हारे किसको किससे करते हैं कनेक्ट। बबली बबली बोन को बोन से कनेक्ट करने का हमारे लिगामेंट का है, यही ट्रिक है तुम्हारी, बोन को मसल से तुम्हारे टेंडन कनेक्ट करते हैं। जब कभी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है भाई। दिग्विजय, सचिन, श्रिया, अधिगा, गोल्डी, टीजे, वेरी गुड। देन गेमिंग, गेमिंग मास्टर, सही है भाई, गेमिंग मास्टर हो, प्राइम मास्टर गोगो नहीं हो तुम। ओके ओके ओके, कर चुके हैं आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, ये तुम्हें दिक्कत दे सकता है ये वाला क्वेश्चन, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें हल्की सी दिक्कत दे सकता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। 25 का, किसका मॉडिफिकेशन होता है तुम्हारा, देखते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट इसका करते हैं सही आंसर। 25 का, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, वेरी गुड धूप। देन टीजे, शाबाश, तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं आई भाई। दिग्विजय, अधिगा, समझदार हो तुम साहब। ज्योति, ग्रेट। कोमल, कर दिया सही आंसर इसका, यस सर, स्वेट ग्लैंड का, इसे एमटीआर कर सकते हो, स्टार मैंने पहले लगा दिया था, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं भाई। द्वारकाधीश, सचिन, सचिन जैसे कि सचिन ने गलत कर दिया, क्वेश्चन का नंबर लिखा नहीं सचिन तुम्हें, तो मुझे पता नहीं चला कि तुमने किस क्वेश्चन का आंसर किया है, ये बात मुझे पता चल ही नहीं पाई भाई। ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, शानदार सवाल, अगला सवाल, क्या कहना चाह रहा है अगला सवाल हमसे। द टिश्यू विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, कौन सा टिश्यू है, लिम्फोइड, लिम्फोइड पकड़ो वर्ड, लिम्फोइड वर्ड, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन ईटीसी क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26, आसान है, लिम्फोइड टिश्यू, ऑप्शन ए लिम्फोइड टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड मतलब अगर स्ट्रेटा बन गया, देखो स्ट्रेटा का मतलब तुम्हारा क्या होता है लेयर, अगर सिंगल लेयर है तो तुम्हारा क्या होता है सिंपल, अगर सर स्ट्रेटा बन गया इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड एपिथेलियम तुम्हारा कहाँ मिल रहा है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। संकेत, सचिन, अन्वेषा, प्रीति, द्वारकाधीश, ज्योति, गेमिंग मास्टर, अन्वेषा, धूप, गोल्डी, क्वेश्चन नंबर सही क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सर, ये हो गया हमारा 27, बता दो इसके बारे में जल्दी से, कहाँ मिलेगा तुम्हारा 27 का आंसर भाई। कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, इलियम, नहीं 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 रोमन कैप्सूल में तो यार स्क्वायमस मिल रहा था ना, काफी बच्चे कंफ्यूज है यहाँ पर, मुझे बताना पड़ेगा लगता है आंसर, फेरिंग्स इज द करेक्ट आंसर, एमटीआर करो इसे। फेरिंग्स इज द करेक्ट आंसर, सितारे लगा दिए, सजा दिया है मैंने क्वेश्चन को। 28, कोलेजन फाइबर आर सीक्रेटेड बाय कौन सी सेल तुम्हारी, कोलेजन फाइबर को सीक्रेट करती है फाइबर, फाइबर को कौन सीक्रेट करती है, मिलाओ भाई वर्ड ढूंढो, वर्ड ढूंढो जल्दी से, ढूंढो वर्ड फटाफट से, क्या हुआ गोल्डी, हुआ क्या, किस बात के लिए तुमने दो क्वेश्चन के डंडे लगा दिए यहाँ पर, किस बात के लिए तुमने दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए हो यहाँ पर। 28 का जवाब, 28 का जवाब करो जल्दी से, लाइक करना तो कोई भूलेगा नहीं वैसे वीडियो को। 28 का भाई फाइबर से, वेरी गुड धूप, अधिगा, देन गोल्डी,
देखो यहाँ पर फाइबर, FIB फाइब्रोब्लास्ट, मास सेल क्या सीक्रेट करेंगी तुम्हारी, मास सेल क्या सीक्रेट करेंगी अन्वेषा, प्रीति, संकेत, दिग्विजय, यस 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 प्रीति, ओके सर, मास सेल के बारे में कुछ बताओ, हिपेरिन रिपेरिन सीक्रेट करने जा रही है क्या ये हमारी, हिपेरिन रिपेरिन कुछ सीक्रेट करने जा रही है क्या मास सेल, क्या लग रहा है तुम्हें, जा रही है तो हाँ में जवाब दो, नहीं जा रही है तो ना में जवाब दो। यस हिस्टामिन, हिपेरिन, ओके। अगला सवाल, सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिया कहां पर होगी सर, सीलिएटेड एपिथीलियम अब करो जो तुम आंसर कर रहे थे, सीरोटोनिन, वेरी गुड, अब तुम जो कंपाउंड का आंसर कर रहे थे अब करो यहां पर आंसर सीलिएटेड के बारे में, कर दो कर दो कर दो, जल्दी से कर दो आंसर, फटाफट से कर दो भाई, ट्रेकिया यूरेटर इंटेस्टाइन, ट्रेकिया यूरेटर इंटेस्टाइन कहां पर, ओके 29 का अधिगा, 29 का ए, दिग्विजय गलत कर दिया तुमने भाई, वेरी गुड टीजे, वेरी गुड टीजे, प्रीति, गोल्डी भाई ध्यान दो, धूप, कंफ्यूज हो भाई तुम इसमें, कंफ्यूज हो क्यों, कंफ्यूज हो, ट्रेकिया में तुम्हारा सीलेटेड मिलेगा, नेजल चैम्बर में तुम्हारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, इतना बड़ा पूछता मैं तब देते इसका आंसर तुम, टेंडन लिगामेंट आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, कौन से टिश्यू है तुम्हारे ये, टेंडन लिगामेंट में मैन सेल में तुमसे पूछो तो क्या होगी, वेरी गुड द्वारिकाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, टेंडन लिगामेंट में कुछ बातें मैं तुमसे पूछू यहाँ पर तो क्या करोगे आंसर इसका, 30 30 30 नर्वस टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर तुम्हारा, वेरी गुड संकेत, इसका करो आंसर 30 का, नर्वस एपिथीलियल मस्कुलर फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रस टिश्यू सर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है तुम्हारा ये, मिनिमम रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट इन, तुम्हारी मिनिमम रीजनरेशन पावर कहां पर होगी, सबसे कम रीजनरेशन पावर कहां पर प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन नंबर 31, नर्वस कनेक्टिव एपिथीलियम मस्कुलर, नर्वस कनेक्टिव मस्कुलर एपिथीलियर 31 का आंसर, 31 का सही जवाब, नर्वस में क्या, वेरी गुड धूप, देन कोमल, ग्रेट, अधिका, गोल्डी, ज्योति, संकेत, दिनेश, दिग्विजय, श्रीनिधि, अन्वेषा, यस सर ये हमारा होता है नर्वस टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज तुम्हारी कौन सी सेल सीक्रेट करती हैं, बी लिम्फोसाइट किसी में होती है मॉडिफाइड, वेरी गुड गेमिंग मास्टर मलिक द्वारिकाधीश, देखो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट तुम्हारा किसी में होता है मॉडिफाइड, फिर वो तुम्हारा क्या करेगा, वो तुम्हारा क्या करेगा भाई, वो तुम्हारा एंटीबॉडी बनाता है, 32 का पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर, 31 का तो ये था, देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसका सही आंसर 32 का, मास सेल, रेटिकुलेट सेल, एडिपोज सेल या फिर प्लाज्मा सेल, वेरी गुड गोल्डी, धूप, देन अधिगा, ज्योति, श्रीनदि गलत कर दिया भाई, दिग्विजय, ग्रेट, प्रीति, ये तुम्हारी होती है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, टीजे, वेरी गुड गेमिंग मास्टर मलिक, अभी अभी बात की हमने, देखो बी लिम्फोसाइट तुम्हारी मॉडिफाइड होकर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और ये प्लाज्मा सेल तुम्हारी क्या बनाती है, इवेंचुअली यही प्लाज्मा सेल हमारी क्या बनाती है भाई, यही प्लाज्मा सेल हमारी एंटीबॉडीज बनाएगी, द कैविटी जो ब्रेन आर लाइंड बाय सीएसएफ जो सीक्रेट करेगा तुम्हारा, कौन तुम्हारा सीएसएफ सीक्रेट करता है, क्वेश्चन नंबर 33, कौन तुम्हारा सीएसएफ सीक्रेट करने जा रहा है, 33 का जवाब चाहिए मुझे, 33 का चाहिए भाई जवाब, वेरी गुड अन्वेषा, संकेत, ग्रेट, अगला सवाल आ चुका है 33 तुम्हारे स्क्रीन पर,
कर दो इसका जवाब, कर दो इसका जवाब। वेरी गुड अर्पण सिंह, द्वारिकाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, ज्योति अधिगा धूप। ये तुम्हारे पेंडाइमल सेल है, और क्वेश्चन कभी कभी यही पूछा जाता है कि सीएसएफ कौन सीक्रेट करेगा, तो यही पेंडाइमल सेल हमारा सीएसएफ सीक्रेट करता है। यस, सर्वेशा सही आंसर है आपका। लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ, लिगामेंट तुम्हारा किसका बना होगा? लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ 34, लिगामेंट तुम्हारा मेनली किससे मिलकर बना है सर? लिगामेंट आर मेड अप ऑफ 34 का जवाब। रेटिकुलर इलास्टिन, यहां पर दिक्कत आ सकती है भाई, ये लो सजा दिया सितारों से, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसका सही आंसर। लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ, फाइब्रस टिश्यू होता है जो तुम्हारा किससे मिलकर बना होगा भाई? यह सही आंसर क्या तुमने, कोलेजन से मिलकर फाइब्रस टिश्यू होता है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो तुम्हारा बनता है किससे? कोलेजन से मिलकर बनता है भाई। थर्टी फोर हो गया सभी से। अगला सवाल, विच इज सेसमोइड बोन, जो तुम्हारे भाई सेसमोइड बोन कौन सी होती है पहले ये बताओ। सेसमोइड बोन हमारी क्या होती है, जो किसके ओसिफिकेशन से बनती है, किसके ओसिफिकेशन से बनती है सेसमोइड बोन हमारी? पहले इतना सा बता दो, उसके बाद फिर करेक्ट आंसर करना। ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन पटेला हो गई, सिसमाइड बोन तुम्हारी। वेरी गुड द्वारिकाधीश। कोनोसाइट, ये क्या बात हुई भाई, कोनोसाइट यहाँ कैसे आ गई गोल्डी? वो तो एनिमल किंगडम में होती है, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती है तुम्हारी। ए करेक्ट आंसर इसका। गुरनूर अलीगा गौरी दिग्विजय दिनेश धूप, क्या है सही आंसर आपने यहाँ पर? 'The type of epithelium found in conjunctiva of the eye', हमारी आई की कंजक्टिवा में किस तरह का मिलता है एपिथीलियम? कंजक्टिवा ऑफ आई, वेरी गुड अन्वेषा। कंजक्टिवा ऑफ आई में हमारा किस तरह का मिलता है एपिथीलियम सर? क्वेश्चन नंबर 36। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कोल्यूमनर या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस? वेरी गुड गौरी, क्वेश्चन का नंबर लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गौरी कुमार, अर्पणा, अर्पण सिंह, दिनेश, गोल्डी, दिग्विजय, गुरनूर, अन्वेषा, गेमिंग मास्टर मलिक। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड, कौन सा आपका यहाँ पर मीरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है? कोई आइडिया नहीं तो अब आइडिया लग गया होगा, याद कर लो, इसे पूछा जा सकता है कंजक्टिवा के बारे में। ये जो हमारी आंख में भाई जो तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो तुम्हारा कंजक्टिवा हुआ। पूरी लेयर से आंख में जो लेयर हमारी कंजक्टिवा, सुना होगा तुमने, कभी कभी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आंख में। एन एग्जाम्पल ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड 37। मीरोक्राइन ग्लैंड का क्या है एग्जाम्पल? 37 का जवाब। जहां थोड़े बहुत एग्जाम्पल आते हैं वहां तुम घूम जाते हो ना, चलो घूमना मना है अभी तो करो इसका आंसर।
क्या ही करोगे इतना घूमकर। 37 का, 37 का भाई सही जवाब क्या जाएगा? मीरोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तीन तरह की ग्लैंड होती है हमारी, होलोक्राइन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन। मीरोक्राइन जो सिर्फ तुम्हारा क्या करे, सीक्रीशन सीक्रेट करती है, वो तुम्हारी मीरोक्राइन होती है, जैसे कि तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड। एपोक्राइन और सर हमारी होलोक्राइन। होलोक्राइन भाई पूरा क्या होता है, पूरी की पूरी ग्लैंड, और एक तुम्हारी ये होती है एपोक्राइन, वो क्या होता है तुम्हारा कुछ सीक्रेशन, कुछ सेल। 37 का सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सीक्रेट करता है, ये ओनली सीक्रेशन है ना, ओनली सीक्रेशन होता है, तो ये तुम्हारी होती है कौन सी, मीरोक्राइन। अगर यहाँ पर तुम्हारा सीक्रेशन के साथ साथ सेल्स भी हो तो ये तुम्हारी होती है क्या, एपोक्राइन, जैसे कि तुम्हारा मेमरी ग्लैंड होती है। और होलोक्राइन, होलोक्राइन पूरी की पूरी सेल हो, बस सेलुलर हो, सेल्स हो बस, वो तुम्हारी होलोक्राइन। वॉक्समैन कनाल आर फाउंड इन, 38 का जवाब, वॉक्समैन कनाल आर फाउंड इन। वॉक्समैन कनाल तुम्हारी कहाँ मिलती है? हेलो राहुल, अन्वेषा, गौरी, प्रीति, गेमिंग मास्टर, गुरनौर। आ गया सवाल 38, आ गया भाई 38 की बारी आ गई अब। वॉक्समैन कनाल्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है हमारी वॉक्समैन कनाल? 38 का जवाब। बॉन्स ऑफ फ्रॉग कैसे कर रहे हो इसका आंसर? यार आसान सा ये तो, गोल्डी, दिग्विजय, रोशन, बहुत ज्यादा आसान सा ये तो, कुछ ज्यादा ही आसान है। अरे मैमल्स की बात कर रहे हैं हम ना, मैमल्स हम खुद हैं, बॉन्स ऑफ मैमल्स। बॉन्स फाउंड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, अगर कोई बोन तुम्हारी टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है तो उस बोन को क्या बोलते हैं? आज ही एक्सप्लेन किया है मैंने थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले आज एक्सप्लेन किया है। अगर कोई तुम्हारी बोन बनी है भाई टेंडन ऑफ ऑसिफिकेशन से, एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्या पटेला एग्जाम्पल बताया था। क्वेश्चन नंबर 39 का बी दिनेश, गुरनूर, द्वारिकाधीश, दिग्विजय, गोल्डी, यस सर, अर्पण, यस धूप, करेक्ट आंसर सेसमोइड बोन। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या था इसका? एग्जाम्पल हमारा सिंपल सा था, क्या पटेला। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन, व्हाइट जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इनके पास क्या मिलता है तुम्हारा? 40 का जवाब। व्हाइट एडिपोज टिश्यू के पास क्या होता है? देखो ये तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, तुम नहीं बताओगे तो मैं आंसर बताऊंगा, चलो तुक्का ही लगा दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये। वेरी गुड गेमिंग मास्टर अभिषेक, प्रीति, करो आंसर, देखते हैं क्या करना चाहते हो तुम इसका आंसर, बाकी मैं हुई तुम्हें इसका सही आंसर बताने के लिए। तो यहाँ पर कर दीजिए जवाब ना, ओके सर कर दिया है जवाब, क्या है इसका जवाब हमारा? यूनिलोकुलर फैट सेल। ओके यूनिलोकुलर फैट सेल याद कर लोगे। इन ह्यूमन फाइब्रस कार्टिलेज अबंडेंटली, ह्यूमन में भाई फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिलेगी तुम्हारी? इन ह्यूमन फाइब्रस कार्टिलेज फाउंड अबंडेंटली कहाँ पर भाई? ह्यूमन के बारे में बताना है, फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में बताना है। ह्यूमन नो आइडिया, कोई बात नहीं, इसका करो आंसर जल्दी से। 41 का, 41 का भी नो आइडिया, चलो मैं ही बता दूंगा आंसर, नो आइडिया तो कोई बात नहीं। अरपान देखते हैं कौन सही करता है इसका आंसर। वेरी गुड रोशन, इंटर वर्टिब्रल डिस्क के बीच में मिलेगा तुम्हारा फाइब्रस भाई। स्मूथ मसल आर, स्मूथ मसल कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42 तुम्हारे नीट 2016 का क्वेश्चन। कुछ पीवाईक्यू लेकर आए हम यहाँ पर, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू रहने वाले हैं। 42 का आंसर जल्दी से, क्वेश्चन का नंबर लिखोगे आगे, जरूरी है वो भी।
41 का सी, वेरी गुड। स्मूथ मसल फाइबर आर 42 42 42। स्मूथ भाई तुम्हारे एक तो क्या हो जाएंगे, वेरी गुड। कौन कौन क्या सही आंसर देखते हैं, धूप, खुशी, गोल्डी, सना, टीजे, गुरनौर, रोशन, गोरी, धूप, दिग्विजय, दिनेश, प्रीति, अर्पण, ज्योति, संकेत, अधिगा। यस सर, इनवॉलेंट्री होगी, फ्यूजी फॉर्म होगी, इनवॉलेंट्री होगी, फ्यूजी फॉर्म होगी और नॉन स्टेटेड होगी। अच्छा, ये वॉलेंट्री मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टेटेड कहाँ होती है तुम्हारी, स्केलेटल। चूज करेक्ट मैच पेयर, यहाँ पर तुम्हें करेक्ट मैच पेयर बताना है, तीनों में से एक करेक्ट है बस, तीनों में से एक करेक्ट है भाई। 43 का, 42 का तो कर दिया भाई तुमने, द्वारिका दिस गेमिंग, वेरी गुड, कर चुके हो आंसर उसका, तो तुम मुझे बताओ 43 का। एरियोलर ऑप्शन सी जाएगा क्या 43 का, काफी बच्चों का गलत भाई, देखते हैं किसने सही किया। देखो कार्टिलेज तुम्हारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज तुम्हारा डेंस इरेगुलर होगा, स्पेशलाइज नहीं होगा, टेंडन, एरियोलर सही है, लूज, एडिपोज, एरियोलर सही सर, करेक्ट मैचिंग पेयर 44, करेक्ट मैचिंग पेयर, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं हमारे पास, वेरी गुड धर्मेंद्र, गुरनौर, खुशी, रोशन, फोर्टी फोर का जवाब। अरे ये क्या हुआ, रुको रुको रुको, ये तो पेन चलाने वाला था, ये क्या हुआ, नीट 2014 क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें टेढ़े मेढ़े कहीं और से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या तो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं या फिर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। 44 का गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो, ये तुम एलिवुला ही होती है, इनर सरफेस ऑफ एलिवुला स्क्वायमस की होती है, जो डी आंसर लगा रहे हैं। फोर्टी फोर का जो डी लगा रहे हैं उनके लिए बताया मैंने, वेरी गुड, गोल्डी, अधिगा, गुरनौर, धर्मेंद्र, गोरी, दिग्विजय, सहना, संकेत, धूप, ज्योति सर, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में तुम्हारा होता है क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। गिवन बिलो एबीसीडी पहचानो भाई, ए बी सी डी एनसीईआरटी माता रानी का डायग्राम है, एबीसीडी पहचानो 45 में, डायग्राम वाले क्वेश्चन देखो नीट में आते तो है नहीं लेकिन हमारे कंसेप्ट तो क्लियर कर जाते हैं ना डायग्राम वाले क्वेश्चन, इसीलिए करने होते हैं ये क्वेश्चन हमें, इसीलिए करने होते हैं, एक ही फायदा इन क्वेश्चनों करने का। 45 मैं बैठा हूँ यहीं पर, कर रहा हूँ तुम्हारा इंतजार। धर्मेंद्र, खुशी, संकेत, ये तो तुमने कर दिया आंसर, अब मुझे 45 का जानना है। ए क्या है हमारे यहाँ पर, ए क्या है देखते हैं 45 का, गलत तो करोगे तुम बहुत सारे स्टूडेंट, गोल्डी सही, रोशन, दीपांश, गौरी, अर्पण, वेरी गुड, अधिगा, खुशी, ए क्या लग रही है तुम्हें यहाँ पर, ए सर हमें लग रही है क्या, मैक्रोफेज, और इस जिस पेन से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उसे लिखा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा कलर चेंज किया जाए भाई, ब्लैक का जवाब ब्लैक, ब्लैक में ए हमें लग रही है सर मैक्रोफेज, बी हमें क्या लग रही है, बी सर फाइब्रोब्लास्ट, ये देखो फाइबर सीक्रेट कर रही है तो फाइब्रोब्लास्ट बी, सी हमारे क्या है यहाँ पर, सी देखो कोलेजन फाइबर है, और डी क्या है सर हमारी, डी हमारी मास सेल है, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सटीक लगता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक लगता है आपको ना, संकेत, रोशन, दीपांश, अंचिका, दिग्विजय, गुरनौर, प्रीति, अंचिका, सबने किया सही आंसर इसका, ओके अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल 46, ये तुम्हारा काफी बड़ा हो गया भाई आंसर, बताओ इसका जल्दी से 45 का आंसर, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन छुप तो नहीं गया तुम्हारे लिए, ये
क्वेश्चन छुप तो नहीं गया है, छुप गया है तो फिर इसको थोड़ा छोटा किया जाए। अब बताओ, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऑप्शन ए ही छुप गया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को ले जाता हूँ इधर। अब बताओ, अब तो बता सकते हो, क्वेश्चन तुमने पढ़ ही लिया होगा। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इनमें से क्या तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है? क्या तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है? अब दिख रहा है सभी को? अच्छा, तो दिख रहा होगा भाई सभी को। करो फिर आंसर। ये क्या लग रहा है तुम्हें, लंबी लंबी सेल है? डी तो चलो कार्डिक हो गया, डी तो इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है सभी को, इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है सभी को, तो डी तो हमारा कार्डिक हो गया भाई, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ए क्या दिख रहा है हमें, ए क्या दिख रहा है? कोलिनियम हो गया, लेकिन कोलिनियम प्रोटेक्शन के लिए होता है। देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है। खुशी, वेरी गुड। गोल्डी, ज्योति, द्वारकाधी, संचिका, सहाना, प्रीति, रोशन, गौरी, दीपांश, अर्पण सिंह, अंचिका। यस सर, देखो बी हमारा ग्लैंडुलर है और सर हमारा इंटेस्टाइन मिलेगा, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ ए टिश्यू, काइंड ऑफ ए मसल दैट मूव्स इट। क्वेश्चन नंबर 47। जो लाइव है वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, जरूरी है ये भी काफी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कल हम यहाँ पर एक फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे इसी टाइम 6 बजे ही। अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है तुम्हें कि तुम बायोलॉजी में कितने पानी में हो, कितना तुम्हें बायोलॉजी आता है। अभी जब तक क्वेश्चन नहीं करते हो तो लगता है सभी को कि पूरा ही आता है ना? जब तक क्वेश्चन नहीं करते हो तो क्या लगता है कि पूरा ही आता है। 47 का आंसर क्या किया? बाइसेप अपर आर्म, बाइसेप अपर आर्म स्मूथ होती है क्या? नो सर, स्केलेटल होती है। एब्डोमिनल वॉल, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर एब्डोमिनल वॉल क्या होगा हमारा? 47 का आंसर एब्डोमिनल वॉल क्या होगी? एब्डोमिनल वॉल सर स्मूथ मसल होती है वहां पर क्या? बिल्कुल सही बात लग रही है मुझे ये तो। 47 का बी, वेरी गुड। रोशन, आर वाई, संकेत, गेमिंग मास्टर, अधिगा, ज्योति, दिग्विजय, प्रीति, आयरिस के बारे में एक बात याद रखो क्या, कि भाई इसका ओरिजिन तुम्हारा एक्टोडर्मल होता है, ये तुम्हारा स्टेटेड हो जाएगा भाई। द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑन पिन्ना, जो हमारे पिन्ना में मिलता है और कहाँ मिलेगा? जो हमारे पिन्ना में मिलता है, ये पिन्ना में वही सेम टिश्यू हमें कहाँ मिलेगा देखने को? 47, 48 सॉरी। फोर्टी एट, फोर्टी एट, फोर्टी एट। क्या हुआ, क्या हुआ किन्सुक भाई? अभी तुम फिर से स्पैम करोगी? देखो मोस्ट ऑफ द मसल हमारी जो होती है, एक्टोमीजो एंडो, कैसे पता चलता है याद रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मसल, एम फॉर मसल, एम फॉर मीजो। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि आयरिस, ठीक है ओके। ईयर पिन्ना, टिप ऑफ द नोज, इफ ईयर पिन्ना, टिप ऑफ द नोज, कौन सा मिलता है सर यहाँ पर तुम्हारा? टिप ऑफ द नोज पर कौन सा मिलेगा? इलास्टिक। और ईयर पिन्ना पर भी तुम्हारा इलास्टिक मिलेगा, ये बात याद रखनी है काफी ज्यादा अच्छे से। ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज, मैंने हिंट दे दी थी तुम्हें वैसे। हेलो ज्योति, वेरी गुड। दीपांश, आर वाई, गेमिंग मास्टर, संकेत, गौरी, दिग्विजय, रोशन, शोभाना, अंचिका, खुशी, ग्रेट आंसर भाई सहना। अगला सवाल आज का, मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, जो तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू की मास सेल होती है ये क्या कंटेन करती है? मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन,
49 49 49 शानदार सा क्वेश्चन भाई। मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन भाई 49 का आंसर। वैसोप्रेसिन, रिलैक्सिन, हिपेरिन, हिस्टामिन, हिपेरिन, कैल्सिटोनिन, सेरोटोनिन, मेलानिन। ओके क्या करना चाह रहे हो तुम? करेक्ट आंसर इसका गोल्डी, सैरिन, आरवा यादव, खुशी, वैन, साना, नरगी, संचिका। वेरी गुड दिग्विजय, ग्रेट 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 संकेत। ओके कर दिया आंसर। क्या सही इसका आंसर भाई? हिपेरिन एंड हिस्टामिन। प्रोटियोग्लाइकेन इन कार्टिलेज विच इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड इज। जो तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकेन होता है कार्टिलेज में, ये क्या होता है सर? क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आज का। कीजिए इसका जवाब जल्दी से। प्रोटियोग्लाइकेन होता क्या है हमारा? इन कार्टिलेज विच इज ए पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन अंतरिक्ष का। किस किसने सही कर दिया देखते हैं। पुराने जमाने का क्वेश्चन है लेकिन काम का तो है। क्या किया, किस किसने किया भाई? ओके 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 अंशिका, रिया, रिया किसका आंसर किया तुमने? गौरी, आर्यन, विक्रम, सहना, अंशिका, दिग्विजय, दीपांश, खुशी, रोशन, द्वारिकाधीश, दीपांश, संकेत, प्रीति, आर्यन। यस सर, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट ना, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कार्टिलेज तुम्हारा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या? ऑप्शन डी गया भाई। तो ये भाई हमने एनिमल टिश्यू से पूरे क्वेश्चन कर लिए आज 50 क्वेश्चन, ठीक है। कल हम यहाँ पर करेंगे एक फुल सिलेबस टेस्ट। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है भाई एनिमल किंगडम वाले का, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है? VIKASJANGIR 306 ये सर्च कर लेना। बाकी अनअकैडमी लर्नर है पर भी हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ओके जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाओगे। 50 क्वेश्चन थे, 50 ही लाइक मिलने चाहिए भाई मुझे थोड़ी देर बाद। ओके ना, चलो फिर बाय बाय एवरीवन। ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये तुम कमेंट में बता देना। कल की स्पेशल क्लास, कल यहाँ पर टेस्ट तुम्हारा 6 बजे होगा। कल की स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या है? कल 12 बजे तुम्हारा भाई चैप्टर कौन सा होगा हमारा? 12 बजे स्पेशल क्लास में अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्यों बड़ा हो गया भाई? लिखने क्यों नहीं दे रहा है चैप्टर का नाम? ये चलो समझ लो तुम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 100 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के लाइन से वहां पर। चलो फिर बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।